नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर्दी जुकाम को तुरंत ठीक करने के लिए आसान सी होममेड रेमेडीज बेसन के शीरे के बारे में। जी हाँ, बेसन के शीरा से आप अपने सर्दी जुकाम को तुरंत ठीक कर सकते हैं, वो भी आसानी से अपने घर पर। आइए जानते हैं कैसे ठीक करना है। मौसम में बदलाव आते ही स्वास्थ्य का इसकी चपेट में आ जाना लाजमी है। आजकल आप भी महसूस कर रहे होंगे कि मौसम में काफी बदलाव है। सुबह और शाम तेज ठंड होने के साथ साथ दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है। इस बदलते मौसम में वैसे तो कई बीमारियों का शरीर में प्रवेश होता है, लेकिन सर्दी जुकाम होना बहुत ही आम बात है। जुकाम सुनने में बहुत छोटा और मामूली शब्द लगता है, लेकिन इसकी असली पीड़ा वही समझ सकता है जो इससे गुजरता है। जुकाम में शरीर गर्म रहने के साथ ही इंसान का सिर भारी रहता है और नाक बहती है। आज हम आपको सर्दी जुकाम को चुटकियों में दूर करने के लिए आसान से बेसन के शीरे के फायदे बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, सर्दी जुकाम के लिए बेसन का शीरा वाकई बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे रोग तो जल्दी ठीक होता ही है, साथ ही साथ शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं बेसन के शीरे के द्वारा कैसे आप सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, सर्दी जुकाम से बचने के लिए बेसन का शीरा बहुत फायदेमंद होता है। आज से नहीं बल्कि सालों से यह मान्यता रही है कि अगर सर्दी जुकाम को जल्दी भगाना है तो बेसन के शीरे का सेवन करें। इससे जुकाम और शरीर की टूटन को सही करने में मदद मिलती है, साथ ही साथ शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। सर्दी के मौसम में बेसन का शीरा आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ संक्रमण और फ्लू से कवच प्रदान करता है, यानी कि रक्षा करता है। नोट कीजिए सबसे पहले कि बेसन का शीरा बनाने के लिए आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। बेसन का शीरा बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं होती है। सिर्फ 3 से 4 चीज ही ऐसी हैं जो जरूरी हैं, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करीब 4 चम्मच बेसन, 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, 2 बारीक पीसी हुई काली मिर्च, 2 हरी इलायची का पाउडर, 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार शक्कर, 1.5 कप दूध और 1 चुटकी हल्दी चाहिए होगी आपको। इसे बनाने के लिए आप एक पैन में देसी घी डाल करके चढ़ा दीजिए। इसमें बेसन को हल्की आंच पर भून लीजिए। जब यह ब्राउन हो जाए तो इसमें गुड़, इलायची, हल्दी, कटे हुए बादाम और कुटी हुई काली मिर्च डाल लीजिए। इसे हल्के हाथों से चलाते रहिए और कुछ सेकेंड बाद इसमें दूध डाल दीजिए। ध्यान रहे शीरे में गांठ न बनने पाए। कुछ देर इसे पकाएं और आपका बेसन का शीरा बन करके तैयार हो जाएगा। इसे गर्मा गर्म आपको लेना है। सर्दी जुकाम से ये बचाता है, आपको बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। इसके अलावा कुछ और प्रयोग जान लीजिए। जुकाम और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या को भी दूर करता है। जुकाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिला करके सेवन करने से फायदा होता है। दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म कर लें, इससे बंद नाक और गले की खराश दूर होगी। सीने में होने वाली जलन से भी यह हमें बचाता है। बहती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जला करके इसका धुआं लें, इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा और तत्काल आराम मिल जाएगा, यानी कि बंद भी हो जाएगा। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर के पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तत्काल ही तकलीफ से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा सामान्य कोल्ड और खांसी के उपचार के लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है तुलसी। यह ठंड के मौसम में लाभदायक है। तुलसी में काफी उपचारी गुण समाये होते हैं जो जुकाम और फ्लू इत्यादि से बचाव करने में हमारी मदद करते हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है और खांसी और जुकाम होने पर इसकी पत्तियां प्रत्येक 5-5 ग्राम पीस करके पानी में मिला लीजिए और काढ़ा तैयार कर लीजिए। इसे पीने से आराम मिलेगा आपको। इसके अलावा सर्दी जुकाम में अदरक भी बहुत ही गुणकारी औषधि है। अदरक को महा औषधि कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन इत्यादि मौजूद होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कफ वाली खांसी हो तो उसे रात को सोते समय दूध में अदरक उबाल करके पीना चाहिए। अदरक की चाय पीने से जुकाम में फायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद के साथ मिला करके पीने से आराम मिलता है। जुकाम और खांसी के इलाज के लिए यह बहुत ही देसी इलाज है।
दो चुटकी हल्दी पाउडर, दो चुटकी सौंठ पाउडर, दो चुटकी लौंग का पाउडर, एक चुटकी और बड़ी इलायची आधी चुटकी लेकर के इन सबको एक गिलास दूध में डाल करके उबाल लें। इस दूध में मिश्री मिला करके पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। शुगर वाले मिश्री की जगह स्टीविया तुलसी का पाउडर मिला करके प्रयोग करें तो उनके लिए लाभकारी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये आज का प्रयोग रहा जो कि सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाने से रिलेटेड रहा। कैसा लगा ये प्रयोग आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिए, ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। तो मिलते हैं अब आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।